महितपुर कृषि उपज मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। व्यापारियों और तालाब के हम्मालों के बीच का विवाद सुलझ नहीं पा रहा। अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। जहां गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम तक कृषि उपज मंडी बंद रही, वहीं व्यापारी किसान और हम्मालों के बीच का विवाद बढ़ते ही जा रहा था। किसानों के द्वारा चक्का जाम करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे देखते हुए कृषि उपज मंडी सचिव अश्विन सिन्हा और महितपुर SDM कैलाश चंद्र ठाकुर ने लगातार 3 घंटे तक मीटिंग की। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अनाज बड़े कांटे पर नहीं तोला जाएगा। पुराने नियम के अनुसार अनाज छोटे कांटे पर ही तोला जाएगा, लेकिन हम्मालों का कहना है कि हमें अनाज तोलने का पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा। हम्मालों द्वारा अनाज तोलने से मना कर दिया गया। शाम को फिर किसानों द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे देखते हुए तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और थाना प्रभारी दिनेश भोजक मंडी पहुंचे। किसानों का कहना है कि हम अपने अपने गाँव से ट्रैक्टर ट्रोली किराए से लेकर आए हैं, यहाँ धूप में हम खड़े हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसे देखते हुए मंडी सचिव ने यह निर्णय लिया कि किसान व्यापारी और हम्मालों तीनों के बीच जब तक समझौता नहीं होता, तब तक के लिए महितपुर कृषि उपज मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी जाए। और मंडी सचिव द्वारा कहा गया कि जब भी मंडी खोली जाएगी किसानों को सूचित कर दिया जाएगा। वहीं हम्मालों का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम हड़ताल पर बैठेंगे। यह है सर कि इतने दिन से अपन कर ही रहे थे, कल से अपन को पैसे देख के वापस मंडी वाले ने बोले कि बड़े कांटे कोई पैसे नहीं लगे। मंडी प्रशासन द्वारा आपको पैसे की लेन देन में समस्या आ रही है, व्यापारी द्वारा समस्या आ रही है? व्यापारी की भी आ रही है और किसान की भी आ रही है। किसान अपन को 5 रुपये देते हैं तो वो तो चाहिए ही अपने को भरे के, उसके बाद में तुलई के 5-6 रुपये 55 पैसे अपनी धारा है, वो भी नहीं मिल रही। आप मंडी प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही मांग है अपनी के 11 रुपये 55 पैसे बोरी चाहिए अपने, अगर या तो व्यापारी दो या किसान। आपकी मांगों को अगर ये मंडी प्रशासन या मानते नहीं है तो फिर आपके द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाएगा? हड़ताल पे बैठेंगे, हम कोई मंडी अंडी नहीं तोले। देखिए अभी हमारे भारत सदर महोदय अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब से मेरी चर्चा हुई, अभी 3 घंटे में वहीं पे उनके पास में लेके आया हूँ। सब सारी चीज़ों पे सारे पक्षों से बात करी, सबसे पहले व्यापारी वर्ग से बात करी, उनकी स्थिति समझी, फिर जो हम्माल थे उनसे भी जो है पक्ष सुना गया उनका, और लास्ट में जो है कृषकों से सुना गया। अंतिम निर्णय यही निकला, अभी लोगों की परेशानियों को देखते हुए किसानों की जो सुबह से आए हुए थे, कि पूर्ववत जैसे चल रहा था छोटे तोल काटे के ऊपर जो तोल हो रहा था उसी के ऊपर पूर्वक तोल रहेगा आज की तारीख में और कल में। इन तीनों पक्षों से हमारे द्वारा आवेदन का बोल दिया गया है, आवेदन आ जाएंगे तो मंडी समिति मतलब भारत साधक समिति जो है वो बैठ के अंतिम निर्णय लेगी कि आने वाले समय में बड़े इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे पे तोल किस तरह से करवाया जाए और उस पर कटौतरा किस ढंग से किया जाए। महितपुर से यश असावरा की ये रिपोर्ट।